तो गाइस सेकंड पार्ट हो गया स्टार्ट। दोबारा से निकल चुके गुरुद्वारे के लिए। दोबारा वहाँ पे जो जो चीज़ें रह गई थी सब एक्सप्लोर करते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं और मिलते हैं सीधा गुरुद्वारे में। इस टाइम दोपहर के 1 बज रहे हैं, इतनी ज़्यादा कड़क धूप है। और ये पीछे ना जो है गाइस, पीछे ना धर्मशाला बनी हुई है। जैसे कि अगर किसी को अपना फ्री में लॉकर लेना है, सामान रखना है, अपने दोस्तों यारों के साथ आए हो, उसमें अपने एक आधार कार्ड की आईडी देनी है और आपको फ्री लॉकर मिल जाएगा। गाइस ये धर्मशाला है, इधर फ्री में लॉकर मिलते हैं अपना आईडी कार्ड देके। यहाँ पे कॉफ़ी मिल रही है, कैपेचिनो 20 रुपये सेल लगी हुई है। ये रहा गुरुद्वारे की एंट्री अंदर की साइड, और ये रहा पूरा बंगला साहिब गुरुद्वारा। ओ बंगला साहिब कह रहा हूँ, अमृतसर। भाई सब वापस जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम बड़ी धूप हो रही है, तो हमने सोचा अब होटल जाया जाए। अब सीधा होटल के बाद सीधा शाम को मिलते हैं अमृतसर में, अंदर मत्था टेकेंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे। ठीक है, बने रहिए ब्लॉग पे। अमृतसरी नान हेरी गाइस, पूरी मार्केट अमृतसर की। यहाँ से कैब मिलेगी, सीधा जाएंगे अपना पिंड। इस टाइम धूप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ये रहा गुरुद्वारा, ये सारे पीछे से आ रहे हैं। बनेगी अमृतसर की कुल्फी, ये सोफ्टी भाजी है। ओह तू तो हटे। हाँ यहाँ पे क्या है, ये पूरी शॉप है, ये पूरी मार्केट लगी हुई है दूर तक देख सकते। खा रहे ने कुल्फी, ओ कुल्फी नहीं सॉफ्टी, सारी तो गिरा रहे हो भाई। आज तो नहीं चलता है भाजी दी, सॉफ्टी बड़ी फेमस है। अरे भाई अमृतसर, हाँ वो अमृतसर में।
चावल की फैक्ट्री। आगे से चलने दो वीडियो, आगे इसका रास्ता है, मेन रास्ता ये वाला, वो आगे और आगे। ये रहा ना ये वाला। सब शाम हो चुके हैं, अब जाएंगे मत्था टेकने बाबू जी का, क्योंकि हम अभी कहीं और चले गए थे पंजाब घूमने, थोड़ा वहाँ से हुआ है, अब जाएंगे अंदर। हेलो, इतनी ज़्यादा बढ़िया मार्केट लगी हुई है, देख सकते हैं। तो पूरी मार्केट है, ये नया बन रहा है। दोबारा से मत्था टेकने आए हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है पीछे। तो आई से रहा गोल्डन टेम्पल बाबा जी का। ठीक है गाइस, ब्लॉग यहीं एंड होता है। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You better pray for help. Welcome to